सब्सक्राइब कीजिए अपने सिंगर भैया चैनल को और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। मैं आपका भाई रंजन ऋषभ, आप देख रहे हैं सिंगर भैया। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, आज का वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, देखना। अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, फिल्म की दुनिया में जाना चाहते हैं और आपको कोई गाइडेंस नहीं है, आपके पीछे कोई मार्गदर्शक नहीं है आपको बताने वाला, तो इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत काम आएगा दोस्तों, बहुत बहुत काम आएगा। नहीं तो बहुत पछताइएगा बाद में, हो सकता है आप हो जाने के बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अफसोस हो। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या मैटर है, क्यों मैं इतना सीरियस हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है सिंगर बनना, कलाकार बनने से पहले इस वीडियो को देखिए वरना। तो दोस्तों, आप अपना एल्बम करना चाहते हैं, सबका ये इच्छा होता है कि मैं, सबका ये चाह होता है कि मैं स्टार बनूं, सिंगर बनूं, हीरो बनूं, कलाकार बनूं। तो वो क्या करते हैं, गाना गाना चाहेंगे, एल्बम करना चाहेंगे, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पैसा लगा करके, बहुत बहुत पैसा लगा करके फिल्म बना देते हैं। है कुछ नहीं उनके पास, ना उन्होंने एक्टिंग सीखा है कहीं पे, ना इस क्षेत्र में पहले से है, कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो है, किसी और काम को करते हैं और वो डायरेक्टली 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगा करके फिल्म बना देते हैं। तो मैं वैसे लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और जो लोग गाना डायरेक्टली गाते हैं, हमेशा आप याद रखिए मेरा बात दोस्तों, इसको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो चीज मैं अभी कहने जा रहा हूं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, लगता है कि हमारे यहाँ चाहे एजुकेशन की कमी, पता मुझे तो यही लगता है, यही लगता है मुझे, पता नहीं सबके दिमाग में ये होड़ एक चला हुआ है, ट्रेंडिंग चला हुआ है कि भाई मैं बड़ा से बड़ा सॉन्ग राइटर से गाना लिखवा लूं, बड़े से बड़े म्यूजिशियन से म्यूजिक बनवा लूं, बड़े से बड़े कंपनी से गाना रिलीज कर दूं, मैं स्टार बन जाऊंगा। एक बात हमेशा याद रखो भाई मेरे, पहले कुछ और था, पहले का जमाना कुछ और था, लेकिन आज के दौर में बड़े से बड़े सिंगर मैंने देखा है, बड़े से बड़े बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने कोई जवाब नहीं उनका, वैसे लोग मारे फिर रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है उनको। और आप लोग क्या उम्मीद लगा लिए, थोड़ा सा गुस्सा मत होइएगा क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो संगीत को बहुत सीखा है, अच्छा से जानता है हर चीज, बहुत बेहतरीन गाता है, वो मारा फिर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। और आप लोग क्या उम्मीद लगाते हैं, आपने कभी भी गाना को गाया तक नहीं है, ये भी सीढ़ी नहीं जानते हैं संगीत का, और चाहते हैं कि मैं स्टार बन जाऊं, आपने कहीं एक्टिंग नहीं सीखा है, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं जानते हैं, कैमरा के सामने एक बार खड़ा भी नहीं हुए हैं, और आप चाहते हैं कि मैं हीरो बन जाऊं। पैसा से कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों, पैसा से सब कुछ नहीं मिल सकता है, पैसा हर बहुत कुछ है लेकिन हर चीज नहीं है, और खास करके इसमें कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी दुनिया, जो कला है, हमारा खेल है, चाहे कुछ भी हो, उसमें अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, चाहे आप अरबों रुपया क्यों ना खर्च कर दो, कुछ संभव नहीं है। तो मैं आप सबसे दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आपने देखा, बहुत प्यार भी दिया उस वीडियो को, कि अगर आप नए कलाकार हैं, नया नया वीडियो सिंगिंग करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने से गाना लिखिए शुरू में। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो थोड़े से छोटे मोटे किसी राइटर से लिखवाइए, गाना लिखिए, उसको अपने ढंग से कंपोज कीजिए, और कोशिश कीजिए कि किसी छोटे से छोटे स्टूडियो, जो छोटा म्यूजिशियन हो, छोटा सा स्टूडियो हो, वहां पे सीखिए, पहले सीखना पड़ेगा ना भाई, फर्स्ट गाना आप गाओगे वही इतना अच्छा आप गा दोगे कि हिट हो जाएगा, कभी संभव नहीं है। तो आप जाकर के कोई ट्रैक पे ही किसी स्टूडियो में जो पहले से ट्रैक बना हुआ है उस पर गाइए, 2-4-5 गाने गा करके सीख लीजिए, गाने जाएगा, सुर में जाएगा, तब जाके अपना काम कीजिए। अगर किसी ट्रैक पे गाने का आपका इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो जाके वहीं पे अपना ही म्यूजिक बनवाइए किसी छोटे से म्यूजिशियन से, जो कम पैसा में, कम बजट में आपका काम कर दे। सीखना है ना पहले, उसके बाद उसको रिलीजिंग करना है, तो वही अपने चैनल पे करिए, अपना चैनल बनाकर कीजिए, या फिर कोई छोटा मोटा जो भी अच्छा हो, मैंने क्योंकि आप सीख रहे हैं अभी, संभव ही नहीं है कि आप पहला गाना इतना सुर में गा दे, इतना ज्यादा एक्सप्रेशन डाल दे उसमें, इतना परफेक्ट हो जाए कि आपका पहला ही गाना हिट हो जाए। वीडियो
वीडियो करोगे, वीडियो में खड़ा होने नहीं आएगा, बोलने नहीं आएगा। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे भी नहीं आता है, मैं भी वीडियो करूँ तो मेरा भी वही स्थिति है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ अभी। इतना परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, चाहे कोई भी नहीं है शुरू में। अगर आपका कोई फिल्म बन रहा है, कोई गाना बन रहा है, तो आप फर्स्ट वीडियो में ही बेहतर एकदम आप बड़ा से बड़ा एक्टर के जैसे एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, डांस नहीं कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है। मैं बहुत से सिंगरों को देखा हूँ कि बड़े से बड़े म्यूजिशियन से म्यूजिक बनवा लेते हैं, जाकर के लिरिक्स ले लेते हैं किसी अच्छे राइटर से, और ना गाने आता है, ना बोलने आता है, ना एक्टिंग करने आता है, वीडियो भी बना लेते हैं। एक गाने पे मैंने लाखों रुपया खर्च करके गाना डूब जाता है, पैसा डूब जाता है, कुछ नहीं होता है। नीचे से धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करो। जो नीचे से धीरे धीरे उठता है वो बहुत ऊंचा जाता है। डायरेक्ट आप जा करके, मैंने नीचे से आप ऊपर नहीं जाओगे, डायरेक्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, सीधे जहां पे बड़े बड़े लोग हैं। वहां से जब गिरोगे तो फिर उठान नहीं होगा, वहां से गिरने के बाद फिर उठ नहीं पाओगे, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लोग बदनाम करके रखे हैं हमारे इंडस्ट्री को, हमारे संगीत को, हमारे संगीत की दुनिया को बर्बाद करके, बदनाम करके रखे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ वो हीरो बन रहा है, उसका घर बिक गया, जमीन बिक गया, सब बेच दिया, फिर भी हीरो नहीं बना, तुम कैसे बन जाओगे। अरे भाई, कैसे लोगों की जमीन बेचते हैं, घर बिकता है, वैसे लोगों की जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ पैसा से वो बनना चाहते हैं, वैसे लोगों की घर बिकता है, जमीन बिकता है। जो कलाकार है उसका कभी भी दिक्कत नहीं होगा, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा काम की कमी हो या अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन वो गर्दा करने वाला है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो कलाकार है वो तो भूखे नहीं मरेगा, ये बात तय है, जिसके अंदर कला है वो कभी भी भूखे तो नहीं मर सकता है। इसलिए दोस्त, पहले प्रैक्टिस सीखिए, म्यूजिक नहीं सीखे तो म्यूजिक सीखिए। अगर म्यूजिक सीखना आपको बहुत बड़ा माने गुनाह लग रहा है, कोई बात नहीं, आप एल्बम कीजिए, एल्बम भी कीजिए तो वो भी सोच समझ के कीजिए, नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाइए, जो चीज़ मैंने अभी बताया उसको फॉलो कीजिए, तब जाके आप कलाकार बन पाओगे। ये बेहुदापन, बेवकूफ़ी आप लोग मत कीजिए। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मैंने मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई कलाकार ऐसे बर्बाद हो जाए, उसका पैसा लूट जाए, ठग जाए, ऐसा मत कीजिए। मेरे पास भी लोग गाने आते हैं जिनको बिल्कुल गाने नहीं आता, मैं बोलता हूँ कि मत गाओ भाई, सीख के आओ, क्या जरूरत है, बाद में गाली देगा कि पैसा ले लिया गवा करके। नहीं दोस्त, सही से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है। जो भी स्टार बने हैं, जो भी हीरो बने हैं, जो भी फेमस हुए हैं, मेहनत करके हुए हैं, ऐसे बेवकूफ़ी करके। और वो सब नहीं है कि टिकटॉक सीधे घुमा करके ऐसे दिखा देना है और स्टार बन जाना है, नहीं दोस्त, वो लोग का लाइफ आप लोग देख सकते हैं, जो लोग टिकटॉक या इस पे हिट हुए थे वो लोग कहाँ हैं और क्या इज्जत है उनका, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए, संगीत से जुड़े रहिए, लगे रहिए, प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है हमारा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, निश्चित आप उस मुकाम पे पहुंचिएगा जहां आपने सोच के रखा है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे से जानकारी के साथ। जो चीज़ें मैंने बताया वो सच्चाई है, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सत्य थी इसलिए मैंने बताया है, सच्चाई है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।